दोस्तों, मैं कहीं भी जाता हूं तो क्या देखता हूं कि आजकल वात की समस्या से हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर परेशान रहता है। इसके कारण हर दूसरे इंसान को आज घुटनों का दर्द, या तो कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द या नसों में दर्द और कमजोरी रहने लगती है। अगर आपकी भी ऐसी ही कंडीशन है तो मेरे पास एक ऐसा अचूक इलाज है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपकी वात की प्रॉब्लम हो या फिर उसके कारण शरीर में कहीं भी दर्द रहता हो तो इस इलाज से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको दर्द के कारण घुटनों का, कंधे का या कमर का कोई ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि अब मैं वात की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाली इस खास रेमेडी के बारे में सारी बातें बताने जा रहा हूं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम खड़ी हल्दी। ये कच्ची हल्दी नहीं है बल्कि ये सूखी हुई हल्दी है और ये खड़ी हल्दी या सूखी हल्दी के नाम से किराना की दुकानों पर बहुत आसानी से मिल जाती है। इस 100 ग्राम खड़ी हल्दी को हम 12 से 15 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देंगे। इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको रात भर के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि 12 से 15 घंटे के लिए पानी में भिगोने से ये हल्दी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। हम इस हल्दी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आप काटना नहीं चाहें तो आप पानी में भीगी हुई इस हल्दी को कूट भी सकते हैं, यानी जो तरीका आपको आसान लगे आप वही तरीका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद इस हल्दी को हम आधा ग्लास यानी लगभग 100 ml दूध में डालकर 2 घंटे के लिए रख देंगे। दो घंटे दूध में भीगने के बाद अब यह हल्दी और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तब हम इसको दूध समेत मिक्सी में डाल लेंगे। साथ ही हम इसमें 3 चम्मच अदरक का पाउडर भी डाल लेंगे। ये सूखी हुई अदरक का पाउडर होता है जिसे सौंठ के नाम से जाना जाता है और ये भी किराना की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है। इन सबको हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हल्दी सौंठ का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसे हम एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। अब हमें गैस पर एक पैन चढ़ा लेंगे और इसमें एक गिलास पानी डाल लेंगे। इस पानी में हम डालेंगे 200 ग्राम गुड़। ये मैंने डार्क कलर वाला गुड़ लिया है क्योंकि डार्क कलर वाला गुड़ ही सबसे अच्छी क्वालिटी का गुड़ होता है। इसमें ना कोई मिलावट होती है और ना ही इसको किसी केमिकल से चमकाया जाता है, इसलिए ये डार्क दिखता है। तो चूंकि ये बिल्कुल प्योर गुड़ है इसलिए आपको इस रेमेडी में यही डार्क वाला, बिल्कुल प्योर वाला गुड़ काम में लेना है। गुड़ डालकर पानी को अच्छी तरह उबाल लेंगे ताकि गुड़ पूरा पिघल जाए। ये देखिए, गुड़ पूरा पिघल गया है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे। गुड़ वाले इस पानी को हम चलनी में से छान लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक लोहे की कढ़ाई गैस पर रखकर गर्म कर लेंगे और इसमें हम 100 ग्राम घी डाल लेंगे और घी थोड़ा गर्म होने देंगे। घी गर्म होने पर हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल लेंगे और इसे तड़का लेंगे। जब ये जीरा ब्राउन होने लग जाएगा तब हमें 100 ग्राम घी में हमारा हल्दी वाला पेस्ट पूरा का पूरा डाल देंगे। इस पेस्ट को हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे। ध्यान रहे कि इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा और जल सकता है। तो इसे चलाते हुए धीमी आंच पर पकाते रहेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हल्दी घी नहीं छोड़ दे। जब ये हल्दी घी छोड़ने लगेगी तो बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तब समझ लीजिए कि ये पेस्ट पक चुका है। अब जो गुड़ का पानी हमने बनाया है वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ हम 1 ग्लास पानी ऊपर से और डाल देंगे। अब हम इसे धीमी आंच पर पकने देंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। पकते पकते जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो दोस्तों, ये आपकी वात की प्रॉब्लम, घुटनों के दर्द और हर तरह के जोड़ों के दर्द को जड़ से मिटा देने वाली औषधि बनकर तैयार है। चलिए जानते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। ये आपके शरीर को गर्म तो रखेगा ही, साथ ही साथ ये आपकी बॉडी में वायु को संतुलित करके घुटनों के दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। आपको इसके लिए करना क्या है, आपको 1 गिलास हल्का गर्म दूध लेना है। इस 1 गिलास दूध में हल्दी वाले इस पेस्ट की 2 चम्मच डाल लेनी है और इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। दोस्तों, दूध का ये 1 गिलास आपको रात को सोने से पहले पूरा का पूरा पी लेना है। ऐसा आपको रोजाना लगातार 1 महीने तक करना है। दोस्तों, 1 हफ्ते के इस्तेमाल में ही आपको इसका गजब का असर महसूस होने लगेगा। इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं। 5 साल से बड़े बच्चों को आप हल्दी वाले इस पेस्ट की 1 छोटी चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर दे सकते हैं। जिनको भी गठिया, आर्थराइटिस या किसी भी प्रॉब्लम के कारण घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, उनके लिए ये उपाय बहुत फायदा करेगा। जोड़ों में दर्द धीरे धीरे कम होता हुआ खत्म हो जाएगा।
इतना ही नहीं, शरीर के अंदर वात रोग की समस्या नहीं होगी, हड्डियां इससे मजबूत हो जाएंगी और इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। नुस्खे से जुड़ी कुछ सावधानियां भी हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको गुड़ केवल 20 से 25 ग्राम यूज करना है, यानी कम से कम मात्रा लेनी है, या फिर आप गुड़ नहीं डालें तो भी चलेगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, तो भी आप इस नुस्खे को यूज कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट फीमेल्स इस रेमेडी का सेवन नहीं करें। जो लोग खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं उनको भी इस नुस्खे को इस्तेमाल नहीं करना है। जिनको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है या फिर बवासीर है, फाइल्स की प्रॉब्लम है, उन्हें भी इसे नहीं लेना है। आप इस नुस्खे को बनाकर फ्रिज में रखें, एक हफ्ते तक फ्रिज में यह खराब नहीं होता। आप इसे इतनी ही मात्रा में बनाएं जिसे आप एक हफ्ते में खत्म कर सकें। आप यह नुस्खा यूज करें और अपने शरीर से हर तरह के दर्द को हमेशा के लिए भूल जाएं। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।